मैच में तो आप एकदम रोनाल्डो निकली। कल एक छलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरे गुनगुना रहे थे। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। तो घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं था, तो सोची चलो आज साड़ी ही पहन लेती हूँ, और इतनी पतली हो रही हूँ कि एक भी ब्लाउज नहीं आ रहा है, तो सोचा कोई बात नहीं, टॉप पे ही कैरी कर लेती हूँ। तो कभी आप लोग के साथ भी इस तरह का कोई मेरी तरह इंसिडेंट हो जाए तो आप लोग भी कैरी कर सकते हो टॉप पे। हाउस हेल्पर अभी अभी गई है काम करके, तो गांव से आया था बहुत सारा नींबू, उस नींबू में रस ही नहीं थे, तो सोचा उसके अचार डाल दूं। इतनी भी मौजूदगी अच्छी नहीं जिंदगी में कि हर कोई नमक की तरह इस्तेमाल कर ले, और इतने भी आम मत बनो हर किसी के लिए कि जो चाहे अचार डाल ले। तो ये खट्टे मीठे अचार बहुत टेस्टी बनते हैं, तो ये मैं शेयर भी कर रही हूँ आप लोगों से कि इसे कैसे बनाना है। घर से आया था तो इसका मैं बना रही हूँ। अच्छा, रस नहीं है, बहुत कम है इसमें रस, इसमें रस बहुत कम है। दस केजी वेट और गेन कर गई हूँ, पर कोई बात नहीं। किसी फ्रेंड ने कहा है कि अपने आप को ये मत बोलो अपने ही मुंह से कि मैं बीमार हूँ, ऐसा बोलना ये पॉजिटिव साइन नहीं होता है। तो मैंने भी सोचा है कि अब बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, खुश हूँ और बहुत हेल्दी हूँ, और पतली तो इतनी हूँ कि बस पूछो नहीं, हवा में उड़ रही हूँ। इसे बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये खट्टे मीठे अचार बनेंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं कई बार बना भी रखी हूँ। तो ये गांव से आए थे, तो घर के नींबू आप मार्केट से भी ले सकते हो, 10-15 नींबू इनफ है इस अचार को बनाने के लिए। इसे 4-5 टुकड़ों में काट लिया है, और काटने के बाद इसमें बहुत अच्छे तरीके से नमक डालूँगी, और नमक इतना होना चाहिए कि पानी हो जाए 24 घंटे के अंदर ही, और उसी पानी में इसे 4 से 5 दिन तक छोड़ देना है। तो मैं पूरा भर के नमक डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से हिलाने के बाद 4-5 दिन के लिए भूल जाना है कि घर में आप अचार भी बना रहे हो। तो उसके बाद मैं शॉर्ट्स वीडियो में ये जो अचार मैं तैयार करूँगी वो दिखाऊँगी, अब लॉन्ग वीडियो इसका नहीं बनाऊँगी। तो अपडेट देती हूँ मैं अब आपको शॉर्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।